नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए आज हम लोग दशमलव संख्याओं का भाग की विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 0.000256। अब इसको हम क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा, मतलब भाग की विधि से निकालना है वर्गमूल। तो कैसे करेंगे देखिए, दो संख्याओं को एक साथ लेते हैं, मतलब दो नंबर को एक साथ करते हैं, क्या करते हैं, दो नंबर को एक साथ। तो ये आपका 0 पॉइंट है ना, तो 0 पॉइंट को लिख देंगे वैसे ही। अब ये दो डबल जीरो है तो क्या करेंगे, बोले ना दो संख्याओं का एक साथ लेते हैं, तो जीरो का टेबल पढ़ेंगे तो जीरो बारी पढ़ेंगे तो जीरो आएगा, तो कुछ नहीं। तो ये डबल जीरो क्या हो जाएगा, आपका 10 बन जाता है। अब सम्स को इधर से करेंगे, ये सब जो करना था वो कर दिए। अब 1 1 जा 1, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 आ तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 तो नहीं ले जा सकते हम लोग। तो हम क्या करेंगे, 1 का टेबल 1 बारी, मतलब जिसका टेबल पढ़ेंगे, जैसे 1 का टेबल पढ़ें तो 1 ही बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार ही पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, 1 का टेबल ही पढ़ा, तो 1 का टेबल 1 बार पढ़े तो कितना आया 1। इसको क्या करना है, प्लस करके लिख देना है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाव करेंगे, 2 से 1 गया 1। अब क्या करेंगे, हम लोग दो संख्याओं को बोले ना एक साथ लिखेंगे, दो संख्याओं को एक बार ले लिए 56। अब हमको क्या करना है, 156 लाना है, तो कैसे लाएंगे, ऑलरेडी 2 मेरे पास है पहले से। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखिए, जैसे 6 लिख दिए, अब 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 3 15। 156 कितनी बार में आया, 6 बार में। तो आपका यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं 156, ये पहले कितना बार में ले गए थे, 1 बार में, सॉरी यहाँ पहले नहीं लिखे, फिर कितनी बार में ले गए, 6 बार में। आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, घटाव कर देंगे, 156 से 156 चला गया, क्या हो गया, ये सम्स खत्म हो गया। तो कितना आंसर आया इसका, 0.016। अब यदि मान लो ये इसको और करना रहता तो क्या करते, इसको प्लस करके यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ और नंबर बैठाकर फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरा सम्स तो करना नहीं है और कुछ, तो ये सम्स क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अब नंबर 2 देखते हैं कैसे होता है, क्वेश्चन क्या है, 0.045369, 0.045369। दो संख्याओं को क्या करना है, एक साथ लेना है, दो संख्याओं को एक साथ, दो संख्याओं को एक साथ, ये सिंगल बज गया, तो इसको क्या करना है, वैसे ही 0 पॉइंट लिख देंगे, करने समय क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिख देंगे वैसे ही। अब सम्स को यहाँ से करना है हमको, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ कर क्या करना है, प्लस करना है, 2 2 कितना हुआ, 4। और यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कितनी बार में आया, 2 बार में लिख दिए। अब लेस करेंगे, 4 से 4 क्या, खत्म। अब हमको क्या करना है, 53 लेना है, 53 ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का टेबल में 4 तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और जो लिखेंगे वही सेम नीचे भी लिखना है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या किए, 2 लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आ गया, 53 से 84 नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, 1 से ही ले गई, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 41 आया, कितनी बार में, 1 बार में ले गया। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस करेंगे, 1 1 2 और 4 का 4। अब क्या करना है, इसको लेस कर दिए, 3 से 1 गया 2, 5 से 4 गया 1। अब हम क्या करेंगे, 6 9 को ले लेंगे, 6 9 को ले लिए। अब यहाँ मेरे पास 42 है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 18 1, 7 4 जा 28 और 1 29, ये बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे क्या करना है, 3 बार में ले जाना है, 3 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1269 आ गया, कितनी बार में आया, 3 बार में। तो ये
आपका प्लस होगा। तो यहाँ नहीं हम करना है कुछ क्योंकि सम्स ख़त्म हो गया है। 0.213 ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर कैसे करेंगे? थर्ड नंबर को सर 1.0609 ये दो संख्या एक साथ, दो नंबर को एक साथ ले लिया, दो नंबर को एक साथ ले, ये बच्चा अब इससे स्टार्ट करना है हमको। वन का टेबल वन बार पढ़ेंगे, वन वन जा वन, वन वन क्या हो गया टू हो गया, वन वन जा वन, ये लेस करेंगे, ये नंबर ख़त्म हो गया। अब पॉइंट है मेरे पास तो पॉइंट लिख दिए, 06 लिए। अब यहाँ पे हम क्या करना है, कुछ तो लेना है, टू मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ वन लेंगे, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 तो नहीं जाएगा, तो क्या करें, यदि हम जीरो लेते हैं तो जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जीरो जीरो, तो यहाँ तो जीरो नहीं है, मुझे सिक्स लाना है, सिक्स तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ हम जीरो लेंगे और यहाँ भी हम जीरो लगाएंगे, उसके बाद दो नंबर को फिर लिख लेंगे। दो नंबर हम तो दो ही नंबर ले सकते हैं ना, मगर क्या हम फिर क्या किए, डबल ले लिए, तो डबल लेने के लिए क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। अब देखते हैं कितनी बार में आता है, 20 है मेरे पास, यहाँ देखो 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 3 3 9, 3 0 0, 3 2 6, 609 आपका आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ क्या करना है, प्लस करना है, आप करेंगे नहीं क्योंकि ये तुम्हारा आपका सम्स क्या हुआ, ख़त्म हो गया, और कुछ करना नहीं है इसमें। 0.3 तो 1.03 ये आपका आंसर है। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, 75.69, दो नंबर को एक साथ लिए, दो नंबर को एक साथ लिए, एट का टेबल एट बार पढ़ते हैं, 8 8 64, नाइन का टेबल नाइन बार पढ़ते हैं, 81, 81 तो नहीं जाएगा, 64 तो ले जा सकते हैं, एट बार में 64 ले गए, प्लस 8 8 16, यहाँ क्या हो गया, 64, 5 से 4 गया 1, 7 से 6 गया 1, लेस किए। अब मेरे पास क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट लिख देंगे। अब इस संख्या को लेंगे, 69 को ले लिए, अब यहाँ पे हमको क्या लेना है, क्या लेंगे, देखिए 7 ले रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, और 4 46, 4 7 और 4 11, आ गया आपका कितना बार में, 7 बार में 1169, लेस, यहाँ क्या करना है, प्लस करना है, कितनी बार में गया, 7 बार में, ये आपका आंसर हो गया 8.79। तो बच्चों ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें।